माधोगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गायब की गई 15 लाख की अंग्रेजी शराब को 18 घंटे के अंदर बरामद करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ा है। विदित हो कि माधोगढ़ कोतवाली में ललित पाल पुत्र ओम प्रकाश पाल निवासी ग्वालियर द्वारा अपने ट्रक चालक राजेश कुमार के साथ सीएसडी दीमापुर नागालैंड के लिए 1600 अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेट पेटी भेजी जा रही थी, जिसमें बंगरा मेहोना मार्ग पर गोपालपुर गांव के पास बदमाशों द्वारा 150 पेटी शराब गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर बिमलेश कुमार ने सीओ डॉक्टर देवेंद्र पचौरी के मार्गदर्शन में जांच शुरू की तो ट्रक चालक राजेश कुमार की ही संलिप्तता निकल कर आ गई, जिसके आधार पर पुलिस ने राजेश कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की। 18 घंटे में घटना का पर्दाफाश करते हुए पूरी साजिश में शामिल क्लीनर रोहित पुत्र चरण सिंह, उसका दोस्त राजकुमार पुत्र विशाल निवासीगढ़ गांधीनगर महोत मध्य प्रदेश, उनके ममेरे भाई आकाश पुत्र संतोष माथुर निवासी रेलवे स्टेशन रायतपुरा थाना एडोरी जिला भिंड को भी गिरफ्तार कर लिया। सर, माधोगढ़ पुलिस द्वारा भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? देखिए, ये प्रकरण थाना माधोगढ़ का है। कल थाना माधोगढ़ पे एक सूचना मिली कि ट्रक के साथ लूट हो गई है, उसमें से सीएसडी कैंटीन शराब जो ग्वालियर से नागालैंड जा रहा था उसमें से 150 पेटी कुछ अज्ञात अपराधियों ने शराब लूट कर ली है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए माधोगढ़ पुलिस और क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और चारों भिंड जनपद के रहने वाले हैं। इनमें से इनके पास से कुल 144 पेटी रॉयल स्टैग की शराब, जो कि लगभग 15 लाख कीमत है, वो बरामद कर लिया गया है। और इसमें ड्राइवर और क्लीनर ने साजिशन ये पूरी योजना बनाई और उन्होंने अपने मित्र को ये पूरी 144 पेटी शराब उनके यहाँ उतार के छुपा दी थी। और ये एक तरह से अमानत में ख्यानत का प्रकरण है, जिसमें ये कैरियर थे और इन्होंने चोरी की घटना करते हुए 144 पेटी शराब चुरा ली थी। और इस घटना को 24 घंटे के अंदर में थाना माधोगढ़ की पुलिस ने वर्कआउट करके काफ़ी अच्छा वर्क किया।